हेलो एवरीवन, नारायण नारायण। आज हम सिलाई करेंगे सल वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की बिल्कुल सरल तरीके से। फ्रेंड्स, इसका कटिंग का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको चैनल पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जिनका बेस्ट पॉइंट ज़्यादा आता है, चेस्ट ज़्यादा होता है, उनके लिए आप टक्स डाल के प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाइए तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी सामने से। फ्रेंड्स, फिटिंग तो आप देख ही रहे हैं कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है। आर्म होल्स के यहाँ से भी कितनी फिनिशिंग आई है ब्लाउज में, ना ही झोल आ रहा है ना ही कोई प्लेट्स बन रही है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, बीच में कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। किस तरीके से हमें सल वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई करना है, सबसे पहले हमें फ्रेंड्स अस्तर को मेन कपड़े के ऊपर रख लेना है और मेन कपड़े को हमने सीधा रखा है और इस तरीके से हमें दोनों पार्टों को आमने सामने रखकर इसमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगानी है। नीचे से सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहां से इस तरीके से रखना है। अब यहां से हमें चारों साइड से अस्तर और मेन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपकाना है। इस तरीके से सिलाई लगाकर चिपकाने के बाद जितना भी अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट को तैयार करना है। आई पट्टी बनाने के लिए हमें मेन कपड़े को लेना है। मेन कपड़े पर हमें अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है एक बार, फिर हमें दोनों को एक साथ फोल्ड कर लेना है और यहां से हमें सिलाई लगानी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आई पट्टी लगाने से पहले यहां पर हम टक्स डालें, क्योंकि हम ये सल वाला प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से जो हमने कट लगाया है वहां से हमें फोल्ड करके रख लेना है और यहाँ से हमें दो पॉइंट दबाते हुए डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 2 इंच लंबी टक्स बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में टक्स बना ली है। अब बनाएंगे हम इसमें आई पट्टी। तो आई पट्टी बनाने के लिए पट्टी को हमें नीचे रखना है और उसके ऊपर हमें ये देखिए इस वाले पार्ट को रखना है। पार्ट को हमें सीधा रखना है क्योंकि हम मशीन से आई बना रहे हैं। मशीन से आई बनाएंगे तो हमें इस वाले पार्ट को सीधा रखना है और पट्टी को हमें नीचे रखना है। अब यहाँ से हम दो पॉइंट दबाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे और आई पट्टी हमें किस तरीके से बनाना है मशीन से ये देखिए। हम मशीन से आई बनाते हैं तो आई बहुत मजबूत बनती है क्योंकि हमने अस्तर डाला है इसके अंदर और अस्तर को हमने एक बार फोल्ड करके मेन कपड़े के साथ फिर इसको एक बार और फोल्ड किया है। इससे क्या होगा, हमारी जो आई है बहुत मजबूत बनेगी। और जो हम धागे से आई बनाते हैं तो एक तो उसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और धागे वाली आई टूट जाती हैं। हम जो मशीन से आई बनाते हैं, हमारी मशीन से बनी आई बहुत मजबूत होती है। आपका ब्लाउज फट जाएगा लेकिन आई आपकी बराबर बनी रहेगी। और एक चीज़ और, इसमें आप जब आई बनाते हैं तो जो टांका होता है ना मशीन का, आप उसको दो पर करके बनाएं तो आपकी जो आई है और भी ज़्यादा मजबूत बनेगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेंगी। फ्रेंड्स, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई और भी सरल तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी सरल तरीके से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम बनाएंगे हुक पट्टी। हुक पट्टी बनाने के लिए हमें 2 इंच चौड़ी कपड़े की कटिंग करना है। अब पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर रखना है हमें इस वाले पार्ट को। हुक पट्टी बनाने के लिए हमें इस वाले पार्ट को उल्टा रखना है। पट्टी हमें कैसे बनानी है ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आई और हुक पट्टी यहां पर बना लिए। अब करेंगे हम साइड वाले पार्ट को तैयार। साइड वाले पार्ट को हमें तैयार किस तरीके से करना है ये देखिए। यहाँ पर हमें मेन कपड़े को नीचे रखना है और सीधा रखना है, उसके ऊपर रखना है हमें अस्तर को। दोनों पार्टों को हमें इस तरीके से आमने सामने रख लेना है
और नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें दोनों अस्तर को और मैन कपड़े को इस तरीके से खोल के रखना है और इस कपड़े को हमें अस्तर की साइड दबाते हुए ऊपर से इसमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है नीचे से और यहाँ से हमें सिलाई लगाकर चारों साइड से चिपका लेना है। हमने दोनों पार्ट को अस्तर और मैन कपड़े के साथ सिलाई लगाकर चिपका लिया और जितना भी अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों पार्ट को सिलाई लगाकर जॉइंट करना है। तो जॉइंट हमें कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पर ये कट है तो इस वाले पार्ट का भी ये कट है। इस दोनों कटों को हमें यहाँ से बराबर रखेंगे और इस तरीके से हमें दोनों पार्टों को सिलाई लगाकर जॉइंट करना है। यहाँ से हमें आधा इंच दबाती हुई सिलाई लगानी है। सिलाई हमें एक बराबर आधा इंच दबाती हुई लगानी है, कम ज्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है वो उतनी फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट की लंबाई अगर थोड़ी सी बढ़ रही है तो हमें इस वाले पार्ट को खींचते हुए रखना है। इस तरीके से हम खींचते हुए रखेंगे और इस कट को हम यहाँ पर बिल्कुल बराबर मिलाएंगे। ये कट टू कट बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से हमें इस वाले पार्ट को हल्का सा खींचते हुए रखना है। ऊपर वाले पार्ट को हम छोड़ेंगे लूज, ऊपर वाले पार्ट को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है और नीचे वाले पार्ट को हमें हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब इन दोनों पार्ट को हमें यहाँ से बिल्कुल बराबर मिला के रखना है और खींचना नहीं है और आधा इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमें दोनों साइड के पार्ट को जॉइंट करना है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो प्रिंसेस कट का शेप है इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले ये देखिए, हमें जो सिलाई वाला ये कपड़ा, इसको हमें इस साइड करते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। इसमें हम दो सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से रखना है हमें खींचते हुए और फिनिशिंग के साथ हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब यहां से हमें एक सिलाई और लगानी है इस वाले, ये देखिए इस यहां से। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें टक्स डालनी है। तो जो हमने कट लगाया यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ से हमें दो पॉइंट दबाते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमें 1.5 इंच छोड़ देना है। कटिंग करते समय हमने 2 इंच छोड़ा था क्योंकि आधा इंच यहाँ पर हमारा सिलाई में दब गया। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच छोड़ेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर टक्स बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम दोनों साइड के पार्ट को तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे पीछे के पार्ट को तैयार। पीछे के पार्ट को भी तैयार करने के लिए हमें मेन कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर को हमें अस्तर को रख लेना है और नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगानी है। अस्तर की साइड हमें इस कपड़े को दबाते हुए इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है, ये देखिए नीचे से बिल्कुल हम अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे। अब गले के यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगाकर अस्तर और मैन कपड़े को चिपकाएंगे। अब हम यहां से भी सिलाई लगाकर चिपकाएंगे और जितना भी अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे गले के यहां से भी। ये देखिए फ्रेंड्स, गले के यहां से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली और साइड से भी, और उसमें हमने यहां पर ये टक्स भी डाल लिए हैं। अब हम आगे और पीछे के दोनों पार्ट के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर शोल्डर को हमें किस तरीके से ज्वाइंट करना है। पहले तो हम इसमें दोनों पार्टों को ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिला के रखना है और आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आधा इंच दबाती हुई सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमें ये देखिए
यहाँ पर हमें 2 पॉइंट जो हमने आधा इंच मार्क लगाया है इससे हमें नीचे के साथ 2 पॉइंट पर मार्क करना है, 2 पॉइंट पर मार्क करना है और इस तरीके से हमें इंच टेप रख लेना है। ये देखिए, और यहाँ पर हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएं, इससे क्या होगा हमारा गला नहीं उतरेगा। अब यहाँ से हम इसको कटिंग करके सीधा करेंगे और इसी तरीके से हमें दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग लगाएं, तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने ओरी भी शेप में पट्टी की कटिंग कर ली है। अब हम पट्टी को किस तरीके से जॉइंट करना है ये देखिए, पाइपिंग की पट्टी का एक कोना इस साइड जाना चाहिए पट्टी का और एक पट्टी का कोना इस साइड आना चाहिए। इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर पाइपिंग पट्टी को जॉइंट करना है और पूरी पट्टी को हमें इस तरीके से जॉइंट करना है जो हम सिलाई लगाएंगे, तो जिसकी सिलाई सिलाई एक साइड आनी चाहिए और फिनिशिंग फिनिशिंग एक साइड आनी चाहिए। पट्टी को जॉइंट करने के बाद यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो हम उसको कटिंग करके सीधा करेंगे। और पट्टी की चौड़ाई हमने ये देखिए 1.5 इंच रखी है। अब पट्टी को हमें इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको ब्लाउज पे रखना है। इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए 1/2 इंच बाहर निकालेंगे ब्लाउज के गले के यहाँ से और इसको नीचे की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से इसको आपको एक पैर भर के दबाना है या 2 पॉइंट दबाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग को हम खींचते हुए रखेंगे, पाइपिंग को हमें खींचते हुए ब्लाउज में जॉइंट करना है जिससे हमारा गला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग लगाने के लिए हम ये बंद साइड वाली बूट ली है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये बंद साइड वाली बूट से पाइपिंग लगाते हैं तो हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी गोल और फिनिशिंग के साथ बनती है। फ्रेंड्स, आप भी सिलाई करते हैं तो आपके पास भी ये बंद साइड वाली बूट होनी चाहिए। ये बूट आपको जिस शॉप पर टेलरिंग मटेरियल का सामान मिलता है वहां पर आपको ये बूट मिल जाएगी। अब इस बूट को हम यहाँ पर लगाएंगे, बूट को हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब ये देखिए हमें पाइपिंग को किस तरीके से बनाना है, पट्टी को हम इस तरीके से सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, अब यहाँ से हमें सिलाई इस तरीके से लगानी है जो ब्लाउज है और ये पाइपिंग का जॉइंट है, तो इस जॉइंट के ऊपर से ही हमारी सिलाई चलनी चाहिए। इस तरीके से हमें पाइपिंग में सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, हम ये सिलाई लगा रहे हैं, ये सिलाई पाइपिंग के ऊपर भी नहीं चलनी चाहिए और ब्लाउज पर भी नहीं चलनी चाहिए। पाइपिंग का और गले की जो जॉइंट है बिल्कुल इसी पर से सिलाई चलनी चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज की पाइपिंग गोल और फिनिशिंग के साथ आएगी। इसी तरीके से हमें पूरे गले में पाइपिंग को लगाना है। अब यहां से हमें इस पट्टी को अंदर की साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए दबाना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की पाइपिंग कितनी गोल और फिनिशिंग के साथ आई है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, साइड से हमें दोनों पार्टों को मिलाकर देखेंगे क्योंकि जब फिटिंग करते हैं तो हम एक पार्ट की लंबाई कम ज़्यादा हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पार्टों की लंबाई बिल्कुल बराबर आ रही है। आपके प्रिंसेस कट में अगर आगे के पार्ट की लंबाई बढ़ती है तो आपको ये देखिए आर्मोल्स के यहाँ से आपको इसको कटिंग करके शेप लगा देना है। हमारे दोनों पार्टों की लंबाई बिल्कुल बराबर आ गई है तो इसमें हम कटिंग नहीं करेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स को मैंने अस्तर के साथ तैयार कर लिया है पलट के। अब यहाँ पर ये स्लीव्स का जो गहराई वाला पार्ट है इसको रखेंगे हम आगे साइड, और ये देखिए स्लीव्स का बीच का सेंटर इसको रखेंगे हम शोल्डर के जॉइंट पर, और इस तरीके से हमें मिलाते हुए स्लीव्स को यहाँ पर रखना है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच दबाती हुई स्लीव्स को ब्लाउज में जॉइंट करना है। दोनों स्लीव्स जॉइंट करने के बाद साइड से हम ब्लाउज में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल किनार से सिलाई लगानी है और दोनों साइड से लगाएंगे। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे, तो फिटिंग लगाने के लिए पहले हम इसकी कमर को नापेंगे ब्लाउज से। ये देखिए इस तरीके से
अब ये देखिए ये ब्लाउज की जो आई पट्टी है, आई पट्टी को हमें नहीं नापना, आई पट्टी को हमें छोड़ना और यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। अब इस वाले ब्लाउज की भी हमें आई पट्टी को नहीं नापना है। अब यहाँ से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इसको नापना है। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई आ रही है 3 इंच। फोल्ड करने के बाद क्या होता है, आई पट्टी को हम इसलिए नहीं नापते हैं, आई पट्टी किसी की चौड़ी और किसी की सकरी भी हो सकती है। अगर इसको हम नापेंगे तो जो कमर है जो परफेक्ट फिटिंग में नहीं आएगी, ढीली या टाइट हो सकती है। अब ये देखिए स्लीव्स के, यहाँ से हमारी स्लीव्स की मेन फिटिंग 5 इंच आ रही थी तो यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करना है। चेस्ट की हाँ हमने 2 इंच मार्जिन रखा है तो यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम नाप कर भी देख सकते हैं। नापेंगे तो हमें आई पट्टी को छोड़ना है। ये देखिए आई पट्टी को छोड़ के हमें इंची टेप को रखना है और हमारी मेन फिटिंग आ रही थी 9.5 इंच पर, तो यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करेंगे हम। और ये देखिए मार्जिन ये 2 इंच कमर के, यहाँ से इसमें 1.5 इंच फिटिंग करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ब्लाउज की फिटिंग कर सकती हैं, आपकी फिटिंग जितनी आ रही है उस तरीके से। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके आल का ऑप्शन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नारायण नारायण, लव यू, लाइक यू।